स्वागत है आप सभी का सितारे मस्ती में। और मेरे शो पर आज मौजूद हैं डायरेक्टर नंबर वन मधुर भंडारकर, जो अपनी दोनों हीरोइंस यानी कि अपनी फिल्म हीरोइन और अपनी फिल्म की हीरोइन करीना कपूर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों का शो पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक पूरा जो देश है वो हिल गया है, बट ऑन द लाइन्स ऑफ इट इट वॉज एक्सपेक्टेड कि मधुर भंडारकर कुछ फिल्म बना रहे हैं तो वो हिलाई देगी। एंड एज मधुर वुड से जलवा है सर। मेरे ख्याल से हलकट जवानी के लिए जो मिला फीडबैक कमाल है। कि किटी पार्टी हो या कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या डांस पार्टी हो, पेस्ट्री इवेंट हो या बियर बार हो, सब जगह हलकट जवानी का जलवा चल रहा है। क्या बात है। Were you expecting it when you were dancing on the floor while shooting it? Well, I don't know. I mean, we were expecting it, of course, because I think Halkat Jawani is we've targeted to the masses, which I think they are the ones that makes the songs really, really popular. And every, I think most of my fans ne hamesha mujhe ek bubbly girl, classy girl next door jaise hota hai. They've seen me as that. They've never really seen me as doing an item song. Humne full on Agent dance. Vinod mein thodi si jhalak dekh li thi, but this is mind blowing. Yeah, this is on. I think this is on another level. Sachi sachi, apne dil pe haath rakh ke batayega. Is film ki asli heroine kaun hai? Kareena Kapoor ya script? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के लिए भी उनको जगह मिलती है। जस्टिफिकेशन जो स्क्रिप्ट को दिया है वो तो 100% शेयर दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने परफॉर्म किया है, कभी कभी स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो, एक परफॉर्मर चाहिए आपको पुख्ता करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। और मेरे ख्याल से करीना कपूर से बेहतर जो एक कलाकार जो जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, बहुत ही जस्टिफाई किया। और आप पिक्चर देखने के बाद, ये दावा करता हूँ मैं, क्योंकि जब पिक्चर देखने के बाद आप करीना कपूर को भूल जाएंगे 5 मिनट के बाद, आप उस कैरेक्टर से प्यार करोगे माही अरोरा। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक प्लस पॉइंट है, एक एक्ट्रेस जो है अपने खुद की इमेज को, वो भी करीना कपूर जैसी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस छोड़ के, वो एक माही अरोरा के कैरेक्टर में जाती है। तो करीना, अपने जरा किरदार के बारे में हमें बताएं। माही अरोरा जो है इज ऑफ कोर्स एक सुपरस्टार है, हीरोइन इज एक कहानी है, एक सुपरस्टार की कहानी है कि एक्ट्रेस की निजी ज़िंदगी कैसे जी जाती है। ऑफ कोर्स पीपल फील कि कहानी जो है राइज फॉल एंड देन फाइनली अगेन, यू नो शील राइज लाइक द फीनिक्स, जैसे मधुर भंडारकर की फिल्मों में जनरली होता है। बट आई थिंक ही इज टेकन अ डिफरेंट रूट इन दिस फिल्म, विच आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ। एंड माहीज जैसे कि प्रोमो में बोला है, ओवर इमोशनल है, मूडी है, संकी है। ये प्रोमो में कहा गया है कि मूडी है, संकी और ओवर इमोशनल, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हर हीरोइन में होगा। आर यू एग्जैक्टली लाइक दिस इन रियल लाइफ? नहीं, बट ऐसे है, एक लोग कहते हैं। इसमें से कितना है आप, कितने परसेंट हैं आप? नहीं, आई मीन आई थिंक आई एम ओवर इमोशनल, ओके, बट आई डोंट नो इफ आई एम मूडी, बिकॉज़ माय मूड इज आई एम द सेम जनरली। सर, सच से पर्दा उठाएं, ये कितनी मूडी हैं, कितनी सनकी हैं और कितनी ओवर इमोशनल हैं? ये बहुत ही एकदम फोकस्ड लड़की है और मेरे ख्याल से ये अपने काम से काम रखती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से शी इज़ इन टू ओन मूड, माने ऐसा कभी नहीं, वो काम करती है अपने हिसाब से, जो है उसको मालूम है क्या करना है बोल के। और मेरा भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं कभी उसको रिहर्सल ज़्यादा करो, वर्कशॉप करते, 2 घंटा पहले आओ, बड़ा अपना ये करते, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो पहले 2 दिन में हमारी एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल एंड आई थिंक रेस्ट everything followed with the script and the way we interacted with the entire unit and all. So, and obviously I think she herself, you know, apne mood mein rehti, mane she doesn't mingle too much jahan tak she's a naturally dekha. Gifted actor, very who gifted, only focuses switch on her switch on hai, switch over switch on hai, ki aisa nahi ki bhi aadha ghanta chhod do mujhe, main bahut serious scene kar rahi hu, aisa bilkul kambal od ke kahin pe kuch aisa, bilkul nahi mere van ke aas pas koi aana nahi abhi aadha ghanta, kyunki main abhi character mein hu, aisa bilkul nahi. Acha, how different is this movie from fashion? एक कम्प्लीटली डिफरेंस है, कम्प्लीट डिफरेंट टेक। मेरे ख्याल से फैशन और हीरोइन जो है बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है। फैशन जो था एक इसके ऊपर था अपना फैशन इंस्टाग्राम, ये वो मॉडल्स की कहानी थी। और निजी जिंदगी में मॉडल और एक्ट्रेस की कहानी में बहुत वास्ट डिफरेंस है, बहुत वास्ट डिफरेंस ये है कि ग्लैमर है, दोनों में ग्लैमर है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों वास्ट डिफरेंस है। तो आपको नहीं लगा कहीं ना कहीं पैरल्स ड्रॉ होंगे कि दोनों ग्लैमरस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कास्टिंग काउच की मुझे, बात मुझे हुई, नहीं लगता, हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से हम सुपरस्टारडम की बात करते हैं पिक्चर में। जब आप देखेंगे पिक्चर ओवरऑल, आपकी जो एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। फैशन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है ना,
तो बहुत बहुत फ़र्क है इसमें. एक्ट्रेस का एक इमेज होता है, उसको लोग देख के ये चाहते हैं कि मैं भी उसी से कपड़े पहनूँ या उसके ऐसा बिहेवियर हो उसका या कुछ भी हो, चाहे उसका ज़ोडियाक साइन मेरे ज़ोडियाक साइन से मैच करता है, कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खाती है, क्या पीती है, हर चीज़ जो है एक अलग लेवल का है. बट इन्होंने अभी जैसे बात करी ज़ोडियाक साइन की, आर यू सुपरस्टिशियस? I'm not superstitious, but I definitely believe in astrology. Okay. And I'm interested. It's fun. I'm a girl. कभी ऐसा होता है कि आज सर बुधवार है, तीन बजे के बाद मैं शूट नहीं करूंगी? नहीं, 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 ऐसा तो नहीं है. वैसे मैं भी बहुत superstitious हूँ, लेकिन बहुत भगवान को मानता हूँ बहुत, लेकिन ऐसा वो नहीं है, इतना वो नहीं है कि भाई ये अभी एक काम करते दो मिनट रुक जाओ, तीन बजे के बाद कैमरा इधर लगेगा, शनिवार है तो कैमरा इस तरफ होगा, रविवार ऐसा इतना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं.